यस। तो आज अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तुम बोलोगे हाँ पता है। इसी का तीसरा नाम क्या होता है? बायो मेम्ब्रेन, तुम बोलोगे ये भी पता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सेल, हाँ देखो, सेल मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन, क्या लिखा है? सेल ऑर्गेनल, उसका मेम्ब्रेन, इन सब को बायो मेम्ब्रेन कहते हैं। इन सब को क्या कहते हैं? बायो मेम्ब्रेन। जो क्या करता है? ठक के रखता है मेम्ब्रेन्स, मतलब कि सर दूसरे ऑर्गेनल्स को या दूसरे रिकॉर्डिंग स्ट्रक्चर को। तो ऑन करो। किया है। रिकॉर्डिंग हाँ चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, चल रहा। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूं कि इसे कहते हैं बायो मेम्ब्रेन। ये ऑर्गेनल है ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन हुआ, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब। अच्छा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को छोड़ देना, बस सेल के ऑर्गेनेल को बस पकड़ना। इन सबको कहते हैं बायो मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं दोस्त? बायो मेम्ब्रेन। आओ आगे। द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वॉज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन द 1950s। एडवेंट यानी जब एडवांसमेंट हुआ, एडवेंट इंग्लिश वर्ड है एडवांसमेंट का। ठीक है, तो जब माइक्रोस्कोप का एडवांसमेंट होता गया होता गया, और 1950 के करीब जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक हम लोग पहुंच गए, तब हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिलना स्टार्ट हुआ। मीनवाइल, केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन, स्पेशली इन ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स, इनेबल्ड टू द साइंटिस्ट टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, जब तक इस माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी नहीं हुआ था, तब तक हम केमिकल स्टडी कर रहे थे, केमिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि आखिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना किस चीज का है। और उसके लिए हमने क्या लिया? आरबीसी, ह्यूमन रेड ब्लड सेल। तुम्हारे मन में यह सवाल आ रहा होगा कि सर आरबीसी ही क्यों लिए, है ना? वैसे आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं योगेश? उसे कहते हैं डोनांस मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? डोनांस मेम्ब्रेन। और वहां हमें एक डोनांस फेनोमेना भी देखने को मिलता है। ठीक है, वो देखेंगे। तो ऐसा क्यों किया गया भाई? दूसरे सेल्स हैं, उसको लिया जा सकता था ना भ्रूणाली। इसको क्यों लिया गया? इसको इसलिए लिया गया क्योंकि इस सेल में कुछ नहीं होता, इस सेल में लिटरली कुछ नहीं होता। तुम बोलोगे ये क्या मतलब? मतलब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता? हम बोलेंगे नहीं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता? नहीं होता। लाइसोजोम नहीं होता? नहीं होता। आरबीसी नहीं होता, सॉरी राइबोसोम नहीं होता? नहीं होता। तुम बोलोगे सर सर न्यूक्लियस तो होता होगा? क्या तुम होता है वो बोलोगे बताइए। न्यूक्लियस तो होता होगा, न्यूक्लियस तक नहीं होता, न्यूक्लियस भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। समझ रहे हो? कुछ नहीं होता आरबीसी में, कुछ भी नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन होते हैं। ठीक है, अच्छा हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को उठा के पकड़ के लेके जाना, तो इस वजह से इसमें कुछ नहीं होता। तो इसके ऊपर केमिकल स्टडी करना काफी इजी हो गया है ना, कि दूसरे मेम्ब्रेन के बारे में या दूसरे सेल ऑर्गेनल इसमें डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करेंगे, तो इससे हमें काफी इजी पड़ गया। तो आओ देखें क्या क्या पता चला। तो ये बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हमें साफ साफ क्लियरली बताता है कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड का बना है, प्रोटीन का बना है और कार्बोहाइड्रेट का बना है। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं। प्रोटीन और लिपिड, ध्यान से सुनना, बहुत ही क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं अलग अलग सेल में। यानी किसी में प्रोटीन ज्यादा हो गया तो लिपिड कम हो गया, किसी में लिपिड प्रोटीन कम हो गया तो लिपिड ज्यादा हो गया। यानी ये जो रेशियो है ना, अलग अलग सेल में अलग अलग होता है ना, रेशियो अलग अलग होता है। बोलोगे ठीक। अगर ह्यूमन इरिथ्रोसाइट्स, अब देखो इरिथ्रोसाइट वर्ड यूज कर लिया, है आरबीसी ही भाई, ह्यूमन रेड ब्लड सेल को ही क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो नहीं ह्यूमन रेड ब्लड सेल का जो मेम्ब्रेन है उसमें लगभग 52% प्रोटीन होता है एंड 40% लिपिड होता है। तुम बोलोगे सर श्रीमान क्या ये याद रखना पड़ेगा? तो यस, ये वाला आप याद कर लो, कर लोगे? कर लो याद। 40% लिपिड और 52% प्रोटीन, बाकी का बचा हुआ 8% क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। बोलो सही खेल रहे हैं क्या? ओके। स्ट्रक्चरली सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट इज सिमिलर टू यूकैरियोट। देखे देखे, इसीलिए वहां पे नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है ना सेल मेम्ब्रेन का या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, चाहे यूकैरियोट हो चाहे प्रोकैरियोट हो, दोनों बराबर होता है। थोड़ा सा अंतर होता है जो मैं बता दूंगा, जो मैं इसी में बता दूंगा। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं, कोई नहीं। तकलीफ की बातें नहीं। तो आओ सेल मेम्ब्रेन को समझाने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट
अलग अलग मॉडल लेके आए थे, ठीक है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल इसमें नहीं दिया ना, देखे नहीं, एक ही मॉडल दिया आप, क्योंकि वो सब सिलेबस से हट गया। तो अलग अलग मॉडल लेके आए थे, लेकिन उसमें सबसे फिट जो मॉडल बैठा ना, उस मॉडल का क्या नाम था दोस्तों? उस मॉडल का नाम था फ्लूइड मोजाइक मॉडल। क्या नाम था? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इससे पहले अलग अलग मॉडल्स आए थे जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लाइक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है ना। इसके अलावा एक और कौन सा मॉडल था? और था एक मॉडल जो भी था, छोड़ो। तो इसको किसने दिया था? सिंगर और निकोलसन ने 1972 में। ये क्या कहना चाहते थे सुनो, दिस इज लेटेस्ट एंड मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोजाइक मॉडल। क्या कहता है ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ध्यान से सुनो। प्रोटीन्स आर अरेंज्ड इन फॉस्फोलिपिड, ये है, लेयर एज मोजैक पैटर्न। मोजैक जानते हो क्या होता है? देखो ये होता है मोजैक, ये कोई फर्श है। मृणाली दिखा तुम बोलोगे ओ ओ ओ याद आ गया, याद आ गया, शतरंज सर, आप शतरंज का बात कर रहे हो है ना। मोजैक दिखा भाई, यस सर। ओमकार आर यू एबल टू सी दिस? हाँ सर, हमको तो नहीं लग रहा तुम देख भी पा रहे हो। तो यहाँ मोजैक तुमको नहीं दिख रहा, देखो तो हाँ इस इलाके में, इस इलाके में देखो यहाँ, ठीक है। ये जो चेस के जैसा मैंने सिस्टम बना दिया है, ये क्या है? नहीं, ये है क्या, ये बताओ ये क्या है? ये है दोस्तों मोजैक। ये क्या है? मोजैक। तो वो वही बता रहे थे कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन अरेंज्ड है लिपिड में। देखो प्रोटीन्स आर अरेंज्ड इन फॉस्फोलिपिड लेयर एज मोजैक पैटर्न, यानी ये पूरा ब्लैक वाले को क्या मान लो, इस पूरे ब्लैक को मान लो फॉस्फोलिपिड। क्या मान लो दोस्त? फॉस्फोलिपिड। और इस फॉस्फोलिपिड में, इस फॉस्फोलिपिड में व्हाइट व्हाइट क्या है? प्रोटीन। व्हाइट व्हाइट क्या है? प्रोटीन। बोलो कोई दिक्कत? ऐसे मोजाइक के फॉर्म में अरेंज है। अरे बोल लो फ्रेंड्स, कुछ तो बोलो। तुम बोलोगे नहीं सर, हम नो लोग ओमकार बन गए, हमें नहीं समझ आया। तो हम बोलेंगे ठीक, गुलाब सर, जामुन खाए हो? गुलाब जामुन खाए हो या नाम भी सुनो हो जीवन में कभी? ये अरे खाए हो? ओमकार को तो इस सब समझाओ। चीजों से काफी क्लोज रिश्ता हो जाएगा कुछ सालों बाद, जब बनाना होगा तो इसको। देखो तो मैं ये बोल रहा हूँ कि शुगर और वाटर का जो सॉल्यूशन होता है, हम लोग उसको क्या कहते हैं? चाशनी कहते हैं क्या? हम लोग इधर चाशनी कहते हैं, तुम लोग क्या कहते हैं? वही कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ और कहते हो, झूठ मत बोलो, क्या कहते हैं फिर? कुछ और कहते होगे ना मराठी में, पाक क्या? बोलते हैं, हिंदी में तो अलग पाक। कहते हैं। हाँ पाक भी, हम लोग भी पाक कहते हैं, है ना, ठीक है। तो ये देख रहे हो, ये चाशनी को तुम क्या समझ लो? इसको फॉस्फोलिपिड समझ लो। बोलो समझ सकते हो क्या? बोलोगे हाँ हाँ समझ सब सकते हैं। इस फॉस्फोलिपिड में ये गोल गोल रसगुल्ला तैयार रहा है ना, गुलाब जामुन, इस गुलाब जामुन को गुलाब क्या समझ लो? जामुन हो प्रोटीन। गया गुलाब जामुन को क्या मान सर, लो? प्रोटीन। ऐसे अरेंज्ड है। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं, अब तो कोई दिक्कत। ये भी नहीं समझ में आया, बोलोगे सर हम ओमकार से भी बड़े वाले हैं, तो ठीक। समुद्र तो देखे हो ना, ये प्रोटीन। देख लो भैया, इस समुद्र में बर्फ के टुकड़े तैर रहे हैं। ये तो बर्फ के टुकड़े क्या हो गए? प्रोटीन हो गए। और समुद्र क्या हो गया? फॉस्फोलिपिड हो गया। बोलो अब भी नहीं आया समझ क्या? सर ऐसे लगता है उन्होंने ये गुलाब अरे जामुन का ओमकार के लिए दिखाया एग्जाम्पल। हाँ ओमकार, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? मुझे पता है थोड़ा हाँ स्लो हो, बट गेटिंग ना, सर, ठीक है। एंड वाई यू आर सो स्लो? सर मैं स्लो नहीं हूँ। तो देखो प्रोटीन क्या, आइसबर्ग है या प्रोटीन गुलाब जामुन? बोलोगे ठीक, बहुत अच्छी बात। अच्छा तुम्हारे मन में एक और सवाल आएगा, ये लिपिड विपिड तो खैर ठीक है, हम समझ रहे हैं है ना, लिपिड क्या होता है? लिपिड मैंने बताया था ना, ट्राइग्लिसराइड को लिपिड कहते हैं। ये कार्बन के साथ ये पूरा एक फैट का चेन जोड़ दो, फैट का चेन जोड़ दो, फैट का चेन। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। क्या कहते हैं? ट्राइग्लिसराइड। क्योंकि ये ग्लिसराइड। ग्लिसरॉल के साथ, ध्यान से सुनना, ये तीन कार्बन जो है ना यहाँ पे, ये ग्लिसरॉल के साथ यहाँ फैट फैट का एक चेन जुड़ जाता है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है। बट ठीक है उतना नहीं,
बायोमॉलिक्यूल में पड़ेगा। तो ये ट्राइग्लिसराइड को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, लिपिड कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपिड। इसी लिपिड में बीच बीच में कहीं आके फॉस्फेट जुड़ गया, H3PO4, तो इसे क्या कहेंगे? फॉस्फोलिपिड। क्या बोलेंगे दोस्त? फॉस्फोलिपिड। तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है फॉस्फोलिपिड। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत। नहीं। आओ तो फॉस्फोलिपिड के बारे में पहले जानते हैं। फॉस्फोलिपिड इज द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन बिकॉज इट फॉर्म्स कंटिन्यूअस स्ट्रक्चरल फ्रेम। भाई एक बात बताओ, समुद्र तो ही मेन है ना, या ये आइसबर्ग मेन है? बोलोगे नहीं, समुद्र मेन है क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर बना रहा है। बोलोगे हाँ। तो वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन में मेन क्या है? फॉस्फोलिपिड, वो सागर। ठीक है। फॉस्फोलिपिड लेयर प्रोवाइड्स फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब एक बात बताओ, इस गुलाब जामुन को अगर हम चाहे यहां से यहां करना, वहां से वहां करना, कर सकते हैं? बोलोगे हाँ। क्यों? क्योंकि ये पानी, सॉरी, ये जो चाशनी है, ये इसको अलाउ करता है कि भाई इधर से उधर जाओ। इसे कहते हैं फ्लूइडिटी। इसे क्या कहते हैं? फ्लूइडिटी। जब वो अपने अंदर उसको मूव करने देगा, दैट इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। बोलो कोई दिक्कत? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नहीं। बिकॉज फॉस्फोलिपिड आर रिच इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विच आर लिपिड इन नेचर। ठीक है। अब इसमें अनसैचुरेटेड फैट का मतलब क्या होता है, मैं बताता हूँ। अनसैचुरेटेड फैट उसे कहते हैं जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, क्या हो? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा कुछ जब देखने को मिल जाए तो उसे कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है। जो कि लिक्विड नेचर का होता है। क्या होता है? लिक्विड नेचर। तुम बोलोगे सर सैचुरेटेड हो जाएगा तो क्या होगा? जनरली जो सैचुरेटेड होता है ना, वो होता है सेमी सॉलिड। क्या होता है दोस्तों? सेमी सॉलिड। सॉलिड ठीक है। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत। नहीं। अब हम जो डालडा या तेल वो सब जो खाते हैं ना, उसमें भी कैसा होता है? उसमें भी होता है थोड़ा सा सैचुरेटेड फैट। क्या होता है दोस्त? सैचुरेटेड फैट। एकदम ध्यान से सुनना, अब सैचुरेटेड अंदर की बात बता रहे। बता दें या छोड़ दें? बता चलो दीजिए। जान लो, जो घटिया तेल होता है ना, घटिया तेल, वो घटिया तेल, उसमें होता है सैचुरेटेड फैट। क्या होता है? सैचुरेटेड फैट। अब थोड़ा सा ठंडा करोगे ना मौसम, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा तुम नीचे जाओ, ब्रूनाली, हम तो कहते हैं एसी वाले तापमान में रख लो, 16 डिग्री पे, है ना, वो तुरंत सेमी सॉलिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सेमी सॉलिड। और अगर कोई चीज तुरंत सॉलिड बन गया, इसका मतलब उसमें क्या है? सैचुरेटेड फैट, और वो सेहत के लिए बड़ा हानिकारक है। अब रिफाइंड ऑयल को ले लो। रिफाइंड रिफाइंड ऑयल जो अच्छे अच्छे वाले होते हैं, वो -40 50 डिग्री, -60 डिग्री तक भी झेल जाता है, सॉलिड ही नहीं होगा, लिक्विड ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें होते हैं अनसैचुरेटेड फैट। क्या होता है? अनसैचुरेटेड फैट। और ये बॉडी के लिए अच्छा होता है। बोलो कोई दिक्कत? अब क्यों अच्छा होता है तो ध्यान से सुनो। ये है सैचुरेटेड। ये क्या है? सैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ये पहले से स्टेबल है, हमारे बॉडी में कोई रिएक्शन नहीं करेगा, जाके बैठ जाएगा। जबकि ये डबल बॉन्ड है, टूटने का उम्मीद है, ये टूटेगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो ये अच्छा है, अनसैचुरेटेड। गॉट इट? अरे बोल लो भाई, गॉट इट? इसीलिए जो हमारा यस प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन होता है? अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है। तो वो अनसैचुरेटेड कैसा होता है दोस्त? वो होता है लिक्विड नेचर में। क्या होता है? लिक्विड। अगर यहीं सैचुरेटेड होता ना, तो वो सेमी सॉलिड बन जाता है ना, थोड़ा सा सॉलिडिफाई हो जाता। तो समझ में आया कि लिक्विड नेचर फॉस्फोलिपिड का क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ अनसैचुरेटेड फैट। क्या नहीं समझ में आया मृणाल? समझा सर पता नहीं क्या समझा, जो आपने बताया अभी। ऐसा कुछ नहीं, सब बेकार की बात हाँ सर, है। आओ बेकार की नहीं बात। हाँ ठीक है। कोलेस्ट्रॉल। भाई कोलेस्ट्रॉल का नाम सुने हो? तुम बोलोगे यस यस, कोलेस्ट्रॉल का तो नाम सुने। क्या सुने हो कोलेस्ट्रॉल के बारे में, जरा बता रहा हूँ ओमकार, तुम्हारे लिए एक्सक्लूसिव सवाल, जल्दी बताओ। ओमू भाई टीवी पे तो हाँ खूब सुने होगे ना, सर, जल्दी से बताओ। नहीं पता। नहीं पता? भ्रूणाली या किसी को नहीं पता? देखो कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड ही है। क्या है? लिपिड का टाइप है। समझ में आया? अब तुम कोलेस्ट्रॉल को बुरा मत समझना, कोलेस्ट्रॉल इज नॉट बैड। मैं फिर से बता दूं, कोलेस्ट्रॉल अच्छा चीज होता है। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? अच्छा चीज, बट एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। तो कोलेस्ट्रॉल अगर बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाए तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल मतलब क्या है? लिपिड। और लिपिड जब बहुत ज्यादा हो जाता है बॉडी में, तो वो क्या करता है? फैट डिपॉजिट कर देता है। कहाँ पे डिपॉजिट करता है? बहुत जगह कर सकता है। जैसे कि हम बात करें एंडोथेलियम में, कहाँ कर सकता है? एंडोथेलियम। एंडोथेलियम किसे कहते हैं? ये जो ब्लड वेसल्स है ना, ब्लड वेसल्स के अंदर वाले लाइनिंग को कहते हैं एंडोथेलियम। और अगर यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे
डिपॉजिट कर दिया तो खून के फ्लो में दिक्कत आने लगता है, बस यही है। और बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में मिलता है, ठीक, और ये कोलेस्ट्रॉल हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल मोर रिजिड देन फॉस्फोलिपिड, मोर रिजिड यानी थोड़े से सॉलिड होते हैं, है ना, टफ होते हैं। सो इट हेल्प स्टेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी मतलब स्थिर रखता है स्ट्रक्चर को, क्या रखता है स्थिर, भाई पानी ही रहेगा तो पता चलेगा यहां से बह के दूसरे सेल में चला गया, तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से ये थोड़े टेबाइल होते हैं, समझ में आया, स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखते हैं, है ना, इसे स्टेबिलिटी भी कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं। नहीं इसके अलावा द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड इनेबल लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद एन ओवरऑल बाइलेयर, दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। अभी अभी बताया क्वासी फ्लूइड का मतलब क्या हुआ, ये एग्जैक्ट तरल नहीं होता, ये एग्जैक्ट तरल नहीं होता। तुमने कभी शहद को देखा है क्या दोस्तों, हनी को? क्या यस हनी को एग्जैक्ट तुम फ्लूइड कह सकते हो? बोलोगे फ्लूइड तो एग्जैक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे नेचर का फ्लूइड का नहीं होता, है ना, ठीक है। उस तरह के फ्लूइड के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, क्वासी फ्लूइड, क्या यूज करेंगे, क्वासी फ्लूइड, ठीक है। तो वैसा कुछ है स्ट्रक्चर। तुम बोलोगे एक मिनट, फॉस्फोलिपिड आप बोल रहे थे लिक्विड होता है, फिर ये क्वासी फ्लूइड क्यों हो गया? कोलेस्ट्रॉल की वजह से हुआ। किसकी वजह से हुआ? कोलेस्ट्रॉल की वजह से। बोलो कोई दिक्कत? और इस क्वासी फ्लूइड में भी वो अलाउ करता है लैटरल मूवमेंट, यानी इधर उधर मूवमेंट, इधर उधर मूवमेंट, किसका, प्रोटीन का। और इसी मूवमेंट को क्या कहते हैं, फ्लूडिटी। इसी मूवमेंट को हम किस में नापते हैं, फ्लूडिटी में मेजर करते हैं। बोलोगे ठीक। द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन वेरियस फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर जंक्शन, एंडोसाइटोसिस, सिक्रेशन ऑफ सेल डिवीजन एक्सेट्रा। ये बताएंगे पहले एक सेल ग्रोथ का, बस बताते। मान लो ध्यान से सुनो, और उसके बाद वो फोटोज भी दिखाएंगे, अभी वो फोटो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना। मान लो ये एक सेल है, बोलो कोई दिक्कत? अरे बोलो सर। भाई। और ये सेल का जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मैं बोल देता हूँ एकदम हार्ड, एकदम सॉलिड है, हार्ड और क्या है, सॉलिड। बोलो कोई दिक्कत? अभी ये फ्लूड व्लूड गया कचरे के डब्बे में, हमें नहीं पता, सॉलिड है मान लो। अब ये सेल कुछ समय के बाद ग्रो करना स्टार्ट करेगा, मतलब ग्रोथ तो हो ही रहा है, क्या होगा भाई, क्या होगा, ग्रो करेगा? तुम बोलोगे सबसे पहले तो ग्रो करेगा नहीं, आप जो बोल रहे हो ना ग्रोथ हो जाएगा, ये होगा ही नहीं ग्रोथ, क्यों, क्योंकि ये हार्ड और सॉलिड है तो वो जाएगा ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर हम कुछ देर के लिए आपका बात मान ले और ये सेल ग्रो करवा दे, तो यहाँ पे क्रैक्स आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, क्रैक, ये टूटने लगेगा। बोलो भाई आएगा कि नहीं आएगा सर? यस ओमकार, तुम कभी नहीं बोलते हो क्लास में, यू आर सर। हैबिचुअल ऑफेंडर। ये नहीं क्या सर, होने बोलता लगेगा, हूँ टूटने मैं। लगेगा, ये ऐसे ऐसे टूटने लगेगा, यस ये टूटने लगेगा। तो इस वजह से भगवान ने क्या बोला कि छोटू तू क्या बन जा, हार्ड मत बन, तू तो फ्लूड बन जा, फ्लूड नेचर रख अपने पास, है ना, कैसा फ्लूड, क्वासी फ्लूड बन जा, ठीक है। तो अब ये फैलेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट हो जाएगा, क्या क्या यस कहते, ओमकार आर यू अंडरस्टैंडिंग और यू आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडिंग सर। और यू आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। नो, आई आओ दोस्तों इसके बारे में बात कर ले बात फिर। आओ कुछ अंडरस्टैंडिंग। चीजें मैं पहले बताना चाहूंगा, वैसे तुम लोग पढ़ के आए हो बट फिर भी बता ही देते हैं। पोलर और नॉन पोलर मतलब जानते हो? मत बोलना नहीं जानते, नहीं तो काफी गलत हो जाएगा तुम्हारे साथ, अभी तुरंत हाथों हाथ गलत हो जाएगा, समझ रहे हो। कितने लोगों ने डाइपोल मोमेंट पढ़ा है? मतलब हद हो गया यार, हद हो गया आज, केमिकल बॉन्डिंग में डाइपोल मोमेंट, सर, नेट डाइपोल मोमेंट सब बताया गया है, लेकिन देखो पढ़ा इतने है ढीट बच्चे हैं, एक चू तक नहीं बोल रहे। सर। क्या मृणाली, ऐसा स्थिति आ गया क्या तुम्हारा? मैंने कहा कि सभी ने पढ़ा है जो क्लास में है वो। हाँ तो फिर बच्चे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या मैं बच्चों को मारूं? नहीं, मारो, हाँ चलो ठीक, मारो।
नहीं छोड़ देते हैं। क्या एक उसमें बात मुझे मृणाली भी बताओ, आती है सर। क्या मुझे एक बात बताओ, ए और बी के ऊपर अगर चार्ज आता है उसी को हम डाइपोल कहते हैं ना, बोलोगे हाँ उसी को कहते हैं। क्या चार्ज आते ही हम कह सकते हैं वो पोलर है या नॉन पोलर? नहीं नहीं कह सकते। उसके लिए हमें क्या देखना पड़ता है? म्यू नेट, याद म्यूनेट आ रहा है? म्यू नेट अगर जीरो नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? पोलर। अगर ये जीरो है पोलर। तो क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। याद आ रहा है? ओमू चोमू हाँ याद आ रहा सर। है? यस। तो ऐसा होता है, तुम बोलोगे ठीक। अगर ऐसा होता है तो एक सवाल का जवाब देगी मृणाली। वाटर नाम सुनी हो? मृणाली वाटर, एच टू। कभी H2O नाम सुनी हो? हाँ सर, सुनी एच टू तो वो हूँ। पोलर होता है या नॉन पोलर होता है? पोलर ओके। क्या किसी को इसमें तपलीक है क्या भाई? कोई तपलीक है होता नहीं। है। मुझे ये बताओ, एक रूल होता है केमिस्ट्री में, वो होता है रूल नॉन पोलर डिजोल्व इन पोलर एंड पोलर डिजोल्व इन नॉन पोलर, है ना? याद आया? याद आया? क्यों भाई मृणाली, सही बात है। अरे ठीक है ना, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा भाई, गजब आदमी है मृणाली। आपने मृणाली को सर पूछा ठीक सर। ये मेरे शान में गुस्ताखी है तुम्हारा जवाब ना देना। नहीं सर, कोई गुस्ताखी नहीं है। तो बताओ सही है ना, आगे बढ़ो फिर। अरे हाँ या ना, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा मृणाली। हाँ सर। देखो शान में गुस्ताखी है, तुम हाँ या ना कुछ नहीं बोल रही हो बाकी के मृणाली। तो बोल सर। हाँ वैसे बाकी के जो बोले हैं तो जो तुमको दिख रहा ना वही है, यानी ये गलत गलत दिख रहा, गलत ही है। ठीक है, ऐसा नहीं होता गलत है, यार। वो मत पोलर पोलर में ही होता है, डिजोल्व। एग्जैक्टली। और कितने जोश में ये दोनों आदमी बोल रहे हैं, कितने जोश में बोल रहे हैं कि हाँ, दोनों आदमी मतलब जोश किसी भी प्रकार से कम नहीं हो रहा है इनका। पोलर डिजोल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर डिजोल्व इन नॉन पोलर, भाई मतलब मुझे कैसे लगा लोग आप हैं बीच बीच क्या। में अपने, तो पोलर का पोलर में ही डिजोल्व होता है ये कहा था। यस यही होता है, पोलर डिजोल्व इन पोलर नॉन पोलर डिजोल्व इन नॉन पोलर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, कुछ देर के लिए ध्यान से सुनो, कि जो भी पोलर मॉलिक्यूल होंगे उनको पानी काफी प्यारा लगेगा, उनको पानी से प्यार होगा। तो वो लोग हाँ बात तो सही है, आप बोल सकते हो, उसमें कोई तपलीक की बात नहीं है, हम बोल सकते हैं ऐसा। ठीक है, ध्यान से सुनो। तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि वो उसको प्यारा है, तुम बोलोगी हाँ। और हम ये बोल सकते हैं नॉन पोलर को ये प्यारा नहीं है, ये प्यारा नहीं है। क्या मैं ये नहीं बोल सकता? बोलोगे हाँ बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो पोलर जिसको प्यारा है ना, उसके लिए, प्यारा के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? देखो उस उसके लिए वर्ड यूज करते हैं फाइल। क्या यूज करते हैं? फाइल। बोलो कोई दिक्कत? पाइल नहीं है, सॉरी पाइल जैसा लग रहा है ना, ओमकार डर गया होगा। देखो फाइल, फाइल है ना। फाइल हाँ फाइल मतलब, या फिलिक, या फिर वर्ड यूज करेंगे फिलिक। याद रखना ये फिलिक वर्ड इलेक्ट्रोफिलिक में भी यूज होगा। इलेक्ट्रोफिलिक यानी इलेक्ट्रॉन लविंग, फिलिक यानी क्या होता है? लव करने वाला, है ना। फोबिक यानी डरने वाला, फोबिक यानी डरने वाला। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं सर। नहीं। तो क्या मैं नॉन पोलर जो कि प्यार नहीं करता है पानी से, उसके लिए मैं वर्ड लिख सकता हूँ हाइड्रोफोबिक? हाइड्रो मतलब पानी होता है, हाइड्रोफोबिक। और इसके आगे लिख सकता हूँ हाइड्रोफिलिक, पानी को प्यार करने वाला। बोलोगे हाँ लिख सकता हूँ। तो कुल मिला के हम क्या कहना चाहते हैं? कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं जो पोलर चीज होते हैं ना उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक, और जो नॉन पोलर होते हैं उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं तो एक बात मुझे बताओ, कुछ देर के लिए एक इलाका है जहां सब नॉन पोलर बैठे हुए अपना, है ना, ऐसे करके लो बैठे हुए। अब उसमें से पानी को जाना है तो जा पाएगा क्या? नहीं नहीं जा पाएगा भाई, हाइड्रोफोबिक है। पानी अगर उधर से निकलेगा चक्कू मार के उसको मार देगा, लेकिन जाने नहीं देगा। क्या कहते हो?
लेकिन अगर कहीं पे पोलर है, कहीं पे पोलर है तो क्या पानी वहां से जाएगा? अरे पानी को हाँ चूमते ताकते हुए विदा करेगा, फूल माला गधे पे बिठा के उसको विदा करेगा, है ना? जस्ट जी लाइक सर, उनका, जस्ट ओमकार को लाइक ही उनका, जाना पड़ेगा फिर उनके ठीक है? पास। वही मैं बोल रहा हूँ, पोलर यानी हाइड्रोफिलिक, नॉन पोलर यानी हाइड्रोफोबिक। इतना बस याद रखोगे बोलोगे ठीक। तो फॉस्फोरस नाम सुने हो, फॉस्फेट H3PO4, ये H3 इसका हटा देते हैं और इसके ऊपर आता है कुछ चार्ज डेवलप हो जाता है माइनस, और जिस वजह से ये क्या हो जाता है पोलर, ये वाला पार्ट। ये पोलर किस वजह से होता है याद रखना, ये होता है फॉस्फेट की वजह से। किसकी वजह से होता है? फॉस्फेट। नहीं तो ऐसे लिपिड क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं लिपिड। कभी तुम खुद सोचो, जरा दिमाग लगाओ, लिपिड यानी ऑयल होता है। ऑयल कभी पानी में डिजोल्व हुआ है क्या? सोच के बताओ, नहीं। नहीं हुआ, क्योंकि लिपिड क्या है, ऑयल कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। कैसे होता है? हाइड्रोफोबिक, ठीक है? जबकि फॉस्फेट क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोफिलिक होता है, उसको पानी खूब पसंद है, क्योंकि वो पोलर है, देख लो पोलर पोलर, और ये नॉन पोलर, ठीक है? तो इस तरह के कंपाउंड जिसका कुछ हिस्सा पोलर हो और कुछ हिस्सा नॉन पोलर हो, उसे हम लोग एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फीपैथिक। बोलोगे ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे दिखाएंगे, अभी आगे दिखाएंगे, ये है इसका हेड और ये है इसका पूंछ, ऐसे हम लोग दिखाते थे, ठीक है? इसका अरेंजमेंट अभी दिखाया जाएगा, कैसे ये अरेंज्ड है फॉस्फोलिपिड में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है? एक चेन दिखाया गया है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का, एक सेचुरेटेड का। ये काफी डिटेल में उतर के बातें हुई हैं, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। मेन है ये कि ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, सॉरी हाइड्रोफिलिक, पानी पसंद है इसको, और इन दोनों को पानी पसंद नहीं है। बोलोगे ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आओ अरेंजमेंट देखो इसका कैसे है। मैं इस चीज को ऐसे दिखाने वाला हूं, ये हेड और ये टेल। बोलोगे हाँ दिखा दीजिए, ऐसे दिखा दें? बोलो कोई दिक्कत, ऐसे दिखा दें? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं, ऐसे दिखा दीजिए। तो मैं इसको देखो ऐसे ही दिखाने वाला, यहाँ देखो, ये हेड ये टेल, ये हेड ये टेल, ये हेड ये टेल, ये हेड ये टेल, दिख रहा है क्या? बोलोगे हाँ। यहाँ भी ये हेड ये टेल, ये हेड ये टेल, दिखा? तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है भाई, दिख रहा है कि नहीं? तो तुम इसमें क्या देख पा रहे हो मुझे ये बताओ। तुम बोलोगे हम जो देख पा रहे हैं ना सर, वो कुछ यूं देख पा रहे हैं। क्या देख पा रहे हैं? यूं। चेंज अरे चैन वैन गया तुम्हारा, कचरे कचरे में इधर देखो, तुम हमेशा क्या चैन सर? घड़ी है ना पर्स, इसी सब पे तुम्हारा नजर रहता है। नहीं सर, बोल चेंज तो अभी भाई रही सर, हो, चोर बना दिया सर उसको सर तो खुद बोल रही है आपने। चैन है, ये है घड़ी है पर्स है, देखो भाई मृणाली। सर तो ये है हमारा हाइड्रोफिलिक, है ना, जिसको पानी पसंद है, ध्यान से सुनना दोस्त, हाइड्रोफिलिक है। और ये अंदर वाले पार्ट को क्या मैं हाइड्रोफोबिक कह दूं, जिसको पानी पसंद नहीं है? ये पूरा इलाका देखो ना, अनसेचुरेटेड सेचुरेटेड है। क्या कहते हो भाई योगेश दादा आर्यन, है ना? इस सबको तो पानी पसंद ही नहीं है भाई, देखते ही उसका हत्या कर देगा, मर्डर कर देगा, दिन दहाड़े मारा जाएगा पानी अगर उधर से गुजर गया। तो मैं इसे कहूंगा, यस मैं इसे कहूंगा हाइड्रोफोबिक। तुम बोलोगे जी बिल्कुल कह दो, तो तुम्हारे मन में एक भाई सवाल आना चाहिए कि आखिर ये हेड ऊपर की तरफ अरेंज्ड क्यों है? क्योंकि बाहर भी बहुत सारा पानी है और सेल के अंदर भी बहुत सारा पानी है, और अगर लिपिड का टेल वाला पार्ट बाहर होता तो हमेशा इन दोनों में मारधार होता रहता है ना, समझ रहे हो क्या? तो इस वजह से क्या होता है, ये जो हेड वाला पार्ट है वो बाहर की तरफ होता है, दोनों लेयर बाहर की तरफ। तो तुमको इससे ये पता चल रहा है, तुम बोलोगे सर इससे तो हमें ये पता चला है कि लिपिड बाई लेयर्ड में है, एक देखो आप ये लेयर है और दूसरा जो मुझे दिख रहा है वो यूं लेयर है ना, दो लेयर हमको दिख रहा है भाई, एक ऊपर की तरफ अरेंज, एक नीचे की तरफ उल्टा। तो मैं बोलूंगा यस ये बाई लेयर्ड होते हैं लिपिड, फॉस्फोलिपिड कैसे अरेंज होते हैं? बाई लेयर्ड। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं। तो अपना ये नहीं फ्लूड बन के तैयार हो गया, दिख रहा है फ्लूड? तुम बोलोगे हाँ फ्लूड तो दिख गया, लेकिन फ्लूड में रसगुल्ला कहाँ है सर, है ना, गुलाब जामुन कहाँ है? तो बोलेंगे अभी देख लो, गुलाब जामुन यानी क्या? प्रोटीन। गुलाब जामुन यानी क्या? प्रोटीन। तो ये ब्लू कलर का जो भी तुमको दिख रहा है ना, ब्लू कलर वाला, सब तुम्हारा प्रोटीन ही है, सब क्या है? प्रोटीन।
रसगुल्ला, कुछ रसगुल्ला ऐसा है जो अंदर की तरफ तैर रहा है, होता है ना कुछ कुछ अंदर थोड़ा डूब के तैरता रहता है, तो देखो डूब के थोड़ा तैर रहा है, कुछ ऊपर ऊपर तैर रहा है, और कुछ रसगुल्ला ऐसा है कि इस पूरे तरल पदार्थ को आर पार कर रहा है, थोड़ा ऊपर भी थोड़ा नीचे। दिखा, तुम बोलोगे हाँ दिख तो रहा है, नो बताओ कोई दिक्कत? नो नो दिक्कत। फ्रेंड्स एनी प्रॉब्लम? नहीं कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे है नॉन साइटोसोलिक हाफ, यहाँ पे है साइटोसोलिक हाफ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो हिस्सा है ये साइटोप्लाज्म को फेस कर रहा है, क्या है? साइटोप्लाज्म को फेस कर रहा है, और ये साइटोप्लाज्म को फेस नहीं कर रहा है। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं। अब ग्लाइको वर्ड जब भी आ जाए तो समझ जाना ये वर्ड का मतलब होता है शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट। तो ये तो ब्लू कलर वाला क्या है? तुम बोलोगे सर ये तो प्रोटीन था। तो प्रोटीन के ऊपर अगर हम क्या रख देंगे? कार्बोहाइड्रेट रख देंगे। ये प्रोटीन है, इसके ऊपर अगर शुगर रख देंगे तो इसको कहना पड़ेगा ग्लाइको प्रोटीन। क्या कहना पड़ेगा? ग्लाइको प्रोटीन, यानी ग्लाइको कहाँ पे है? प्रोटीन के ऊपर। हाँ तो तुम बोलोगे सर ये तो फिर लिपिड है, तो लिपिड के ऊपर ग्लाइको डालेंगे तो ग्लाइको लिपिड होना चाहिए। हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल है ना, देखो दिखा क्या, समझ में आया? ये है कार्बोहाइड्रेट, ये भी है कार्बोहाइड्रेट, हाँ लेकिन लिपिड पे डाल दिया है तो नाम दे दिया ग्लाइको लिपिड, प्रोटीन पे डाल दिए तो ग्लाइको प्रोटीन। क्या नहीं समझ में आया क्या? अरे भाई बोल लो, 2 मिनट मीटिंग समझो बचा है, बोल लो। सर। अब ये जो पूरा तरल पदार्थ है, इस तरल पदार्थ में ये वाला स्ट्रक्चर घूम सकता है इधर उधर इधर उधर, है ना? मान लो ये एक हमने ऐसे बनाया, तो ये यहाँ से घूम सकता है ऐसे ऐसे इधर उधर ऊपर नीचे, ये फ्लूड है ना भाई, फ्लूड में तो रसगुल्ला कैसे भी घूम सकता है, ऐसे भी घूम सकता है ऊपर नीचे भी, कैसे भी। बोलो कोई दिक्कत? मुंह ना नो ली, ठीक है बहुत अच्छी बात। इसके अलावा हम देख रहे हैं यहाँ पे बीच में काला काला यहाँ पे कुछ कुछ है ना, इसका संख्या कम दिखाया थोड़ा ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये फ्लूड थोड़ा सेमी सॉलिड सॉरी क्वासी फ्लूड बन जाता है। कैसा बन जाता है? क्वासी फ्लूड, इसकी वजह से। ठीक है, इसे क्या कहते हैं दोस्त? कोलेस्ट्रॉल। क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल। बोलो ठीक। अब एक चीज देख लो, एक्सट्रिंसिक मतलब क्या होता है? तुम बोलोगे अरे एक्सट्रिंसिक मतलब पढ़े थे ग्रोथ में, एक्सटर्नल होता है, ग्रोथ में पढ़े थे ना एक्सट्रिंसिक एक्सटर्नल। ग्रोथ, ये तो इसका मतलब एक्सटर्नल होता है। और कहा गया ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं इंट्रेंसिक। क्या कहते हैं? इंट्रेंसिक। तुम बोलोगे ठीक, इंट्रेंसिक इसी को सिर्फ नहीं कहते हैं, ठीक है हम लोग इसको भी इंट्रेंसिक कहते हैं, हम लोग इसको भी कहते हैं, इसको भी कहते हैं, देख लो इंट्रेंसिक यानी अंदर, इंटरनल। तो ऐसा प्रोटीन जो बाहर है उसे एक्सट्रेंसिक कहते हैं, जो अंदर की तरफ है उसे इंट्रेंसिक कहते हैं। इंट्रेंसिक में ये भी आता है जिसे कहते हैं करियर प्रोटीन, इसे कहते हैं टनल प्रोटीन, इसे कहते हैं पार्शियली बरीड प्रोटीन। इन सब का फंक्शन हम पढ़ेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में, 1 मिनट में मीटिंग बंद होगा तो मिलते हैं।